साथियों जय हिंद। साथियों, आज हम 3 जुलाई का करंट अफेयर्स लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप डेली का आप जानते हैं, मैं वही क्वेश्चंस लाता हूँ जो आपके नेशनल और इंटरनेशनल की इम्पॉर्टेंट न्यूज होती हैं और आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। और जैसा कि मेरा मोटिव है प्रेजेंटेशन टू इन्हेंस योर नॉलेज, आपके नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए मेरा प्रेजेंटेशन होता है। और आपसे रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और कुछ भी अगर आपको लगता है तो कमेंट करें प्लीज़। तो आइए बिना टाइम किल किए हुए आपका आज का लेक्चर देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इंडिया पोजीशन इन ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2023 में इंडिया की पोजीशन क्या है। तो इंडिया की पोजीशन अच्छी नहीं है, ये है आपकी 126। कितनी है? 126 रैंक। फर्स्ट रैंक इसकी है आइसलैंड की, फर्स्ट रैंक आपकी है आइसलैंड की। फर्स्ट आइसलैंड, आइसलैंड और कौन है? और फिर डेनमार्क है आपका, फिर आपका है डेनमार्क। दोस्तों फिर है आपका डेनमार्क, डेनमार्क ये हैंग कर रहा कुछ। एक मिनट, ये डेनमार्क, डेनमार्क आपका सेकंड है, फर्स्ट आइसलैंड है, दूसरा आपका डेनमार्क है। तो ये हमेशा आगे रहते हैं। और फिर है आयरलैंड है आपका, इसके बाद है आयरलैंड, आयरलैंड है, और उसके बाद आपका न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड है आपका, और फिर आपका ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया है। तो ये जो है फर्स्ट आपका आइसलैंड है। और इंडिया के कितने? 126 रैंक है आउट ऑफ कितने? 163 कंट्री में इंडिया की रैंक जो है 126 रैंक है। तो ये जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स है, और सबसे लास्ट में क्या है? लास्ट है अफगानिस्तान की, लास्ट है आपके अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की आपकी लास्ट रैंक है। अफगानिस्तान है, फिर सीरिया है, फिर साउथ सूडान है, ये अफगानिस्तान है, फिर यमन है, फिर आपके सीरिया है, फिर साउथ सूडान है, लास्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, हु टूक ओथ एज अ डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। तो आपकी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी, इसके पहले आपके शरद पवार जी अध्यक्ष थे, तो टूट गई है। तो इनके भतीजे जो हैं अजीत पवार जी जो हैं वो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में शामिल हो गए हैं, जिससे क्या हो गया, उनको क्या बना दिया गया, इनको बना दिया गया है उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है, उप मुख्यमंत्री बना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी टूट गई है, इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। तो कौन बना है? ये आपके हैं अजीत पवार जी हैं, ये हैं अजीत पवार, अजीत पवार ये भतीजे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस राकापा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ये टूट के आए, एनसीपी से टूट के आए, एनसीपी से अलग हो गया है।
किसमें? बीजेपी और शिवसेना, शिवसेना गवर्नमेंट में शामिल हो गया। गवर्नमेंट में ये उप मंत्री का पद इनको दिया गया और ये आठ लोग और छह लोग और आए हैं जिनको मंत्री का पद दिया जाएगा। तो इन्होंने बगावत कर दी है। अभी विधानसभा जो और मंत्री को अपने नवीनतम कार्यकाल में अभी आठवें उप मंत्री होंगे। कौन? एट्थ डिप्टी सीएम होंगे, एट्थ डिप्टी सीएम अपने कार्यकाल के एट्थ डिप्टी सीएम होंगे अजीत पवार। और अगर उसके बात कर लें तो आपके तो कहाँ के महाराष्ट्र के, तो यहाँ के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे हैं, आप जानते होंगे इनको। सीएम एकनाथ शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे जी हैं सीएम हैं आपके, शिवसेना के और भाजपा गठबंधन की सरकार है। और यहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं भगत कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी हैं, कोश्यारी कोश्यारी। तो इन्होंने तो अजीत पवार जी ने जो है ये आपका टूट करके राष्ट्रीय नेशनल जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है इससे राष्ट्रीय दल का दर्जा भी छीन लिया गया। और अब इसके लिए और अजीब बात हो गई, इनके भतीजे जो हैं टूट के अलग हो गए। एक बार फिर अलग हुए तो मान नवल से वापस चले गए थे, पुनः इन्होंने बगावत कर दी है। अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड अ थ्री डे सेलिब्रेशन प्रोग्राम फॉर द 108 जे एस आई डे। अब जे एस आई डे क्या होता है दोस्तों, बताएगा आपका जे एस आई डे क्या होता है हमारा। तो जे एस आई डे का मतलब है आपका, जे एस आई डे का मतलब आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका ये मतलब है आपका। तो ये कब मनाया जाता है, मतलब हु इनॉग्रेटर, किसने तीन दिन का किया प्रोग्राम इसके लिए 108वां, तो ये आप बताएं किसने किया। तो अगर आप समझेंगे तो ये जो इसमें आपका दिख रहा है, जो आपके इसमें दिख रहे हैं कौन से मंत्री हैं आपके, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये आपका वैसे 1 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1916 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये जो सर्वे ऑफ इंडिया है तो इनॉग्रेटर किसने किया इसको, ये मंत्री आपको दिख रहे होंगे, ये मंत्री आपको दिख रहे होंगे, तो ये कौन है आपका, अगर कोई बता सके इसका तो मंत्री जी को बताइए भाई, ये कौन से मंत्री हैं जो आपको दिख रहे हैं। तो ये आपके मुख्यमंत्री, ये आपके मंत्री जी हैं, आप शक्ल जान नहीं पा रहे हैं, तो यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने इन्होंने इनॉग्रेशन किया है सेलिब्रेशन प्रोग्राम फॉर द 108 जेएसआई डे का। 108 जेएसआई डे क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे को एम्पावरमेंट देने के लिए, इसको ग्रोथ करने के लिए मनाया जाता है, जिससे लोग इसके बारे में जाने, इसके बारे में लोग जाने, इसलिए ये मनाया जा रहा है आपका। इसके बारे में जानने क्यों ज़रूरत है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि जो हमारी खोजें हैं, जो हमारा अन्वेषण है, वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए ये खोजें अन्वेषण कितने इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है आपका, इसलिए इसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत होती है, सेलिब्रेट करने की जरूरत होती है इसको। तो ये स्पेशल दिन है, इसलिए तो भूपेंद्र यादव जी ने जो है
यूनेस्को सर्वे ऑफ इंडिया सेलिब्रेशन का उद्घाटन किया है इन्होंने प्रोग्राम का। थ्री डे प्रोग्राम को इन्होंने फोकस इस किस पे, मिशन लाइफ पे फोकस होगा। स्पेशल फोकस किस पे होगा? मिशन लाइफ पे होगा आपका। कहाँ पे? कोलकाता में इन्होंने किया इसको उद्घाटन। कहाँ पे किया? कोलकाता में। कोलकाता मिशन लाइफ पे फोकस करने के लिए। तो 108 ग्लोरियस ईयर जो हैं ये समर्पित हुए हैं सर्विस के लिए, डाइवर्सिटी सर्विस के लिए, क्लाइमेट के लिए। इन्होंने कहा कि जेड एस आई को फोकस करना चाहिए रिसर्च पे, कंजर्वेशन, इम्पॉर्टेंट वेटलैंड्स पे फोकस करना चाहिए। और इन्होंने कहा कि प्लान जो आपका सरोवर मित्रा है उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो जेड एस आई जो है इसमें 400 डेलीगेट्स इंडिया के बाहर भी शामिल हुए हैं। अक्रॉस इंडिया 400 डेलीगेट्स भी शामिल हुए हैं। डेलीगेट्स 400 डेलीगेट्स जो हैं ये शामिल हुए हैं। तो ये भूपेंद्र यादव जी ने इनॉग्रेट किया है। भूपेंद्र यादव, अब आप पहचान गए होंगे कि भूपेंद्र यादव जो हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के यूनियन मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री लॉन्च द डिजिटल नोमड स्ट्रेटजी फॉर फॉरेन वर्कर्स? किसने? तो कनाडा ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? कनाडा। कनाडा की जो कैपिटल है आपको पता है, ओटावा का नाम ने आपने सुना होगा। कनाडा के बारे में आप बहुत सुने होंगे। कनाडा क्या है, कहाँ पे है कनाडा? ये आपका नॉर्थ अमेरिका का देश है। कनाडा जो है आपका कहाँ का है? नॉर्थ अमेरिका का आपका देश है। इसलिए कनाडा जितना जानोगे उतना आप कम है इसके बारे में। तो कौन है? कनाडा है। कनाडा, कनाडा मेनली नॉर्थ अमेरिका का देश है। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। नॉर्थ अमेरिका का देश है कनाडा। मेनली क्या है इसमें, सबसे बड़ा नगर इसका टोरंटो है, लेकिन इसकी कैपिटल ओटावा है। ओटावा, ओटावा इसकी कैपिटल है। सबसे बड़ा शहर जो है टोरंटो है, सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर इसका टोरंटो है। टोरंटो, टोरंटो है। और इसके बारे में, ये कनाडा जो है 1 जुलाई 1124 में यहाँ का संविधान बना था, संविधान अधिनियम बना था। और कुल जो इसमें है मेन, इसमें कनाडा जो है बहुत ही अच्छी सिटी है, रहने योग्य सिटी है, और नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा जो है। यहाँ पे आपकी झीलें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? जो 5 लेक्स में है, तो 4 लेक कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पाई जाती हैं, वो सब भी यहाँ से इधर कनाडा से की तरफ से देखने में अच्छे होते हैं। तो डिजिटल नोमल स्ट्रेटजी जो है फॉरेन वर्कर के लिए इन्होंने, कनाडा ने ही लॉन्च किया है, कनाडा ने ही लॉन्च किया है। अब कनाडा जो है नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा वो है, देश है आपका। तो डिजिटल नोमड है क्या? अगर आप इसके बारे में सुने होंगे कभी, डिजिटल नोमड है क्या? डिजिटल नोमड, डिजिटल नोमड मेनली ये है आपका कि जितने कंट्री हैं इसमें जो फॉरेन कंट्री होंगी, तो ये जो आपका कनाडा जो करेगा इसमें होगा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जितने होंगे उनको अलाउ करेगा टू स्टे इन वन कंट्री फॉर अप टू 6 मंथ टाइम। मतलब ये कितने मंथ के लिए अलाउ करेगा? 1 महीने से लेकर 6 मंथ तक जो फॉरेन वर्कर्स हैं उसको अलाउ करेगा इसके माध्यम से। तो ये लॉन्च किया है, ये नोमेडिक लाइफ स्टाइल होगा, फुल टाइम ट्रेवलर्स होगा,
जो प्रिफर करेंगे स्टे इन वन प्लेस फॉर अ फ्यू मंथ, जो फॉरनर वर्कर्स हैं या जो मतलब प्रिफर करते हैं कि हमको कुछ महीनों के लिए, जैसे एक महीने से लेकर छः महीने तक रुकना है, तो उसके लिए डिजिटल नोमन स्ट्रेटजी होगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, उसमें अप्लाई करना होगा और वहीं से उनको परमिशन मिल जाएगी। तो ये स्ट्रेटजी कनाडा ने लॉन्च की है। विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 1 जुलाई 2023? तो आपको दिख रहा है कि कौन डे सेलिब्रेट किया गया है, तो इसी से आपको दिख जाएगा तो कौन सा। आपको हैप्पी तो लिखा है, हैप्पी समझ में आ रहा होगा, और पूरा ये है क्या, तो चार्टर अकाउंट डे है, अकाउंटेंट डे, चार्टर अकाउंटेंट डे, CA, हैप्पी CA डे। तो 1 जुलाई को हैप्पी CA डे मनाया गया, चार्टर अकाउंटेंट डे। चार्टर अकाउंटेंट बहुत बड़ा होता है, जो कॉमर्स लोग होते हैं, जो कॉमर्स लेते हैं, जो अकाउंटिंग के फील्ड में होते हैं, तो सबसे बड़ा वो चार्टर अकाउंटेंट होता है आपका, और कंपनी सेक्रेटरी होता है। तो चार्टर अकाउंटेंट की अपन अलग वैल्यू होती है, काफ़ी मेहनत, बहुत लेबोरियस लोग होते हैं, वो कर पाए हैं। तो इनको बढ़ावा देने के लिए, आपके अकाउंटेंसी को बढ़ावा देने के लिए कंट्रीब्यूट, इनका कंट्रीब्यूशन जो है आपका नेशन में, नेशन के डेवलपमेंट में, उसको बताने के लिए, उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये मनाया जाता है, आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है, सॉरी इसको अलग कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री रीज्वाइंस यूनेस्को आफ्टर 5 ईयर? तो आपको पता है कि अमेरिका जो है रीज्वाइन किया है, यूएस जो है रीज्वाइन किया है यूनेस्को को। यूनेस्को क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस आपका एजुकेशनल सोशल एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। तो अमेरिका जो है फिर ज्वाइन किया है किसको? यूनेस्को को। यूनेस्को को ज्वाइन करने का फैसला किया है अमेरिका ने 5 साल बाद। अब यूनेस्को कब बना था? ये 16 नवंबर 1945 में इसका गठन हुआ था, हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में। तो अमेरिका ने डिसीजन लिया है, अमेरिका रिज्वाइन किया है अमेरिका। और यूनेस्को, जैसा कि आप जानते हैं यूनेस्को के बारे में, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, इसका गठन हुआ था आपका 16 नवंबर 1945 को हुआ था गठन इसका। और इसका जो है हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में है जो है हेडक्वार्टर है इसका। तो हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस। अब क्यों ज्वाइन कर रहा है फिर से अमेरिका? इसके पहले भी छोड़ चुका था, क्योंकि अभी जान रहा है कि इसके स्थान की भरपाई चाइना कर रहा है, तो चाइना को कहाँ देख सकता है आगे बढ़ते हुए, इसलिए अमेरिका ने इसको रिज्वाइन करने का फैसला लिया है यूनेस्को को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसने जो है ये फैसला, बहुत बड़ा फैसला लिया है 5 साल के बाद। अगर पूछे कोई किस्त कितने साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड $1.5 बिलियन टू सपोर्ट इंडिया। तो किस लिए ले? तो लो कार्बन ट्रांजिशन के लिए किया, लो कार्बन ट्रांजिशन, लो मतलब कार्बन जो हमारा लक्ष्य है, कार्बन नेट जीरो कार्बन इमिशन का जो लक्ष्य है हमारा 2070 तक, उसको उसमें हेल्प करने के लिए, नेट जीरो कार्बन, जीरो कार्बन इमिशन, इमिशन का जो गोल है हमारा 2070 तक, उसको पाने मदद करने के लिए, तो जो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है $1.5 बिलियन यूएस डॉलर का जो है, ये इतने अप्रूव्ड किया है, लोन अप्रूव्ड किया है, पर हेल्प मतलब एड मतलब सहायता अप्रूव्ड की है भारत के लिए, जिससे भारत इसमें अपने स्टेप ले सके
नेट जीरो कार्बन एमिशन के लिए, कब तक 2070 तक जो उसका लक्ष्य है भारत को पाने का। वर्ल्ड बैंक आप जानते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, जुलाई 1944 को हुई थी और 46 से वर्क करना इसने शुरू किया था। और वाशिंगटन डीसी जो है इसका हेडक्वार्टर है और इसके मेंबर भी आपके 194 जो है इसके मेंबर है आपके। अगला क्वेश्चन है, विच इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर कमेंस कमर्शियल ऑपरेशंस। कौन सा है फर्स्ट जो इंडिया का इंडिजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो ये काकरापार गुजरात में है, काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, CAP-3 जिसको कहते हैं, काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है ये, 700 मेगावाट का है इलेक्ट्रिक पावर, हैवी वाटर वाटर रिएक्टर है, गुजरात में है, गुजरात की कैपिटल आप जानते हैं जैसे राजधानी क्या है, गांधीनगर है, यहाँ के CM जो हैं भूपेंद्र भाई पटेल हैं और गवर्नर यहाँ के आचार्य देवव्रत हैं, तो इतने इसके बारे में जानकारी सफिशेंट है आपके। तो याद रखिएगा कि काप मीन्स काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, काप आया है तो ये ना तुमने काप क्या है आपका, तो काप है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु री अपॉइंटेड तुषार मेहता एज अ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो तुषार मेहता को फिर से इनका कार्यकाल 3 साल तक बढ़ा दिया गया, एक्सटेंडेड 3 ईयर्स, 3 ईयर एक्सटेंडेड है आपका, एक्सटेंडेड कार्यकाल कितना हुआ इनका, एक्सटेंडेड 3 ईयर्स हो गया इनका, तो ACC ने बढ़ाया है, ACC। अब ACC कौन होता है सुना होगा आपने, आपका अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ इंडिया होती है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी होती है आपकी, ACI नॉट ACC, ACI अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ इंडिया, ACI तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मतलब गवर्नमेंट करके GOI, मेनली GOI भी लिख सकते हो, अगर ये ऑप्शन में आता GOI तब भी माना जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। तो तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है, 1 जुलाई से जो लागू हो गए हैं, अपॉइंटेड हो गए हैं, कार्यभार संभाल लिए हैं, अंडर आर्टिकल 76 के अंतर्गत आपका सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आता है, इनकी सकल पहचान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो आज का इतना ही लेक्चर साथियों, आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, जितने क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको तैयार कर लीजिए, इनको आप एक बार रिवाइज कर लिया करिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन लाए जाते हैं इस लेक्चर में जो आपके एग्जाम्स के लिए, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, हर तरीके से इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए डेली का लेक्चर आप देखते रहिए, उसको सुनते रहिए आप डेली का लेक्चर, और थोड़ा सा टाइम निकाल के 15-20 मिनट टाइम लगा के टाइम फास्ट न्यूज में भी देख सकते हैं, बढ़ा के भी देख सकते हैं फास्ट, ज़्यादा स्पीड में 1.5 में भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सुनने कोई दिक्कत नहीं, आप कोई काम कर रहे हैं तब भी इसको रिवाइज करके सुन सकते हैं, तो आप बने रहिए डेली करंट अफेयर में कैलिवर अड्डा के। और आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनको जो है आप एक बार रिवाइज अवश्य कर लिया करिए। ओके साथियों, जय हिंद साथियों, धन्यवाद साथियों।